और मेरे सुरवीरों कैसे हो। तो भाई शुरू हो चुका है जवाहर नवोदय विद्यालय 2025 कक्षा 6 की तैयारी और फॉर्म आ चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं जाना है तो भैया लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के देख लीजिएगा कि फॉर्म भरने के लिए क्या क्या चीज़ें आपके जरूरी हैं और फॉर्म कैसे आप भर सकते हो। फिलहाल अब हम लोग शुरू करते हैं अपना, जैसा कि हमेशा करते हैं कि भैया फ्री बैच, और इस फ्री बैच में सबसे पहले शुरुआत हो रही है गणित की। तो गणित का अध्याय 1 संख्या एवं संख्या पद्धति बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। अगर आपको मैथ्स नहीं आती है और आप जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने के इच्छुक हो, आप एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, तो भैया आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है गणित को अच्छे से सीखने का। ठीक है, तो चलो फिर हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मेरे नन्हे मुन्नो, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलो फिर हम लोग शुरू करते हैं। हिंदी मीडियम की क्लास है, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो कमेंट में कर देना कि भैया कमेंट में ये लिख देना कि मैं इंग्लिश मीडियम का हूँ, मुझे इंग्लिश मीडियम की है। अगर 10 कमेंट भी इंग्लिश मीडियम के हो गए ना तो भैया इंग्लिश मीडियम की क्लास शुरू हो जाएगी। ठीक है, अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो भी बताइएगा कि आप किस मीडियम के हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो। चलो फिर हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं भैया संख्या क्या होती है। भैया पता है संख्या क्या होती है? संख्या होती है अंकों का युग्म। अंकों, अब अंक क्या होते हैं भैया? अंक हमारे होते हैं ना, अंक के अगर हम बात करें तो अंक जो होता है ये गणितीय चिन्ह है। अंक जो होते हैं वो गणितीय चिन्ह है, और ये कितने होते हैं? 0 से लेके 9 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यानी ये कुल 10 हमारे अंक हैं। और इन्हीं अंकों को अगर आप मिला के लिखो तो हमारी हो जाती है संख्या। ठीक है, तो जैसे अगर आप 1 और 0 मिला देते हो तो 10 हो जाता है। अगर आप 4, 5, 7 मिला दो तो 457 एक अंक हो जाता है, एक संख्या हो जाती है। अगर आप 3, 0, 8 मिला देते हो तो 308। इसी तरह से भाई बहुत सारी संख्याएं बन सकती हैं। संख्याओं का प्रयोग हम करते कहाँ हैं भाई? संख्याओं का प्रयोग हम चीज़ों को गिनने के लिए करते हैं। अभी फिलहाल हमारे लिए जो मुख्य बात आती है, जो हमारे एग्ज़ाम में आता है, वो आते हैं कि संख्याओं को लिखने और पढ़ने की प्रणालियाँ। ठीक है, तो यानी संख्याओं की प्रणालियाँ कितनी कितनी तरह की संख्याएं हैं जिन जो हम यूज करते हैं, संख्याओं की प्रणालियाँ। अब देखो बहुत ध्यान से सुनना, संख्याओं की जो प्रणालियाँ होती हैं ये 3 प्रणालियाँ हैं। संख्याओं की कुल 3 प्रणालियाँ हैं। कौन कौन सी? सबसे पहला हमारा आता है भारतीय गणना प्रणाली। क्या हमारा? भारतीय गणना प्रणाली। दूसरा, अब ये आपको पता ही होगा अगर आपने तैयारी शुरू कर दी होगी, नहीं शुरू की हो तो ठीक है आज से शुरू कर देना। ठीक है, दूसरा हमारा जो आता है वो है हमारी अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली, जिसको आप अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल बोलते हो। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली। अब इसके अलावा, इनके अलावा भी बाबू एक चीज़ और है जो कि आप यूज करते हो, है ना, आप प्रयोग करते हो लेकिन ज़्यादा समझते नहीं हो, और उसे कहा जाता है रोमन प्रणाली। एक एक करके हम सबके बारे में समझते हैं रोमन प्रणाली के बारे में। देखो एक एक करके हम सबको समझेंगे, क्योंकि अब क्लास शुरू हो रही है रेगुलर, मैंने ऑलरेडी पहले भी पढ़ाया हुआ है लेकिन अब रेगुलर क्लासेस चलेगी तो आपको बिल्कुल शुरू से पढ़ा रहा हूँ। तो सबसे पहला जो आता है हमारा भारतीय गणना प्रणाली। ठीक है, अगर आपको ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के ज्वाइन कर लेना। सबसे पहले आता है हमारा भारतीय गणना प्रणाली, मतलब हम लोग भारतीय हैं, हम लोग कैसे किसी संख्याओं को हम गिनते हैं। देखो भारतीय गणना प्रणाली में यहाँ पर जब भी आपको इस तरह कोई संख्या, मान लेते हैं हम आपको एक संख्या दे देते हैं, सबसे पहले आपको एक संख्या दे देते हैं, और वो संख्या है हमारी 4, 3, 8, 7, 5, 2, 8, 0, 1, इतनी बड़ी आपको संख्या दे देते हैं। ठीक है, इसको नोट रखिएगा, सब कुछ हम इसी पे समझेंगे। ठीक है, अब भारतीय गणना प्रणाली में अगर आपको लिखना है तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? इधर से हमारा आ जाएगा इकाई। ठीक, फिर उसके बाद आएगा हमारा दहाई, फिर उसके बाद आता है हमारा सैकड़ा, ये हो गए 3। उसके बाद फिर 2-2 के सेट चलेंगे, कौन कौन से? सैकड़ा, फिर हो जाएगा हमारा 1000, फिर 10000, 10000,
फिर उसके बाद आ जाता है फिर कौमा, ठीक है, फिर आ जाता है लाख, फिर 10 लाख, 10 लाख, फिर कौमा लगेगा, फिर आएगा हमारा करोड़, और फिर आएगा हमारा 10 करोड़। अब यहाँ पर हमारे पास हो गया करोड़, यहाँ हो गया 10 करोड़। तो जो संख्या हमारी यहाँ पे दी थी उसको हम पीछे की तरफ से लिखेंगे। जैसे इकाई के पास हमने लिख दिया 1, दहाई के पास लिख दिया 0, सैकड़े के पास लिख दिया 8, हजार के पास लिख दिया 2, 10 हजार के पास 5, ठीक है, फिर लाख के पास 7, 10 लाख के पास 8, करोड़ के पास 3 और 10 करोड़ के पास 4। देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 हजार, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है ना। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, जैसे करोड़ के नीचे हमारा क्या आया 43, तो हमने लिख दिया 43 करोड़। लाख के नीचे देखो तो आ गया 87, तो 87 लाख। हजार के नीचे कितना आया 52, तो हो गया 52 हजार, ठीक है, मैंने 52 लिखा, ये हो गया 52 हजार। फिर सैकड़ा, दहाई, हजार, सैकड़े के नीचे 8 है तो 800 हो गया, दहाई हमारा खाली है और इकाई के नीचे 1 है तो हमने 1 लिख दिया, यानी हमारा कितना हो गया 43 करोड़ 87 लाख 52 हजार 801। बताओ भाई, बात समझ में आई? बहुत ही आसान सी चीज़ है, ज़्यादा परेशान ना होना इन सब के बारे में। जैसे अगर मान लो कि मैं एक संख्या और लिखता हूँ, एक संख्या लिखता हूँ कि 5 7 3 2 8 9 3, ठीक है। अब यहाँ पर करोगे क्या, क्या ये पूरा लिखना पड़ेगा? नहीं, देखो समझो, 1 2 3, जब भारतीय सिस्टम 3 के पहले कौमा, फिर 2 के पहले कौमा, तो यहाँ से देखो इकाई, दाएं, सैकड़ा, फिर ये हो गया हमारा 1000 10 हजार, फिर ये हो गया हमारा लाख 10 लाख, यानी लाख के नीचे हमारा कितना आया 57। तो हम क्या लिखेंगे, 57 लाख 57 लाख। फिर कितना हमारा हजार में कितना 32, तो हम लिख देंगे 32 हजार 32 हजार, और लास्ट में हमारा कितना आया 893, ठीक है ना, सैकड़े नीचे 8 है, ये हो गया 93, तो हो जाएगा 893 893। बताओ भाई, समझ में आया? अब मुझे लगता है कि आपको भारतीय गणना प्रणाली तो समझ में आ गया होगा। फिर दूसरी जो हमारी आती है, अब दूसरे के बारे में भी समझ लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली। देखो, अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली, अब इसमें क्या है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली में आपको करना क्या है भैया, देखो यहाँ पर भी वही सेम चीज आता है। क्या आता है, सबसे पहले हमारा जो इकाई, दाई, सैकड़ा है वो तो होगा ही, जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे इकाई, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा हमारा दहाई, फिर हो जाएगा सैकड़ा, ठीक है, ये तीन तो हमारे होंगे ही होंगे, ये भारतीय में भी हैं और अंतर्राष्ट्रीय में हैं, उसके बाद कौमा लगेगा, फिर हो जाएगा हमारा मिलियन। देखो यहाँ पर हम देख क्या लिखेंगे, हजार, ठीक है, हजार, तो यहाँ हो गया हमारा हजार, फिर हो जाएगा 100 हजार, ठीक है ना, 10 हजार 10 हजार, फिर हो जाएगा हमारा 100 हजार, ठीक है ना। और उसके बाद अगला जो आएगा, फिर तीन तीन पे यहाँ पे लगेगा, फिर हो जाएगा हमारा मिलियन, फिर हो गया 10 मिलियन 10 मिलियन, फिर हो जाएगा हमारा 100 मिलियन। इस तरह से आप संख्याओं को लिखोगे, ठीक है। यहाँ पर याद रखिएगा, इसमें तीन तीन पर कौमा, जैसे ये तीन इकाई, दाई, सैकड़ा, फिर उसके हजार, 10 हजार 100 हजार, फिर यहाँ कौमा, फिर हो गया हमारा मिलियन, 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन। अब जैसे हमको ये संख्या दी गई है, इसको हम लिखते हैं यहाँ पर 1, ये हो गया 0, ये हो गया 8, फिर कौमा लगाओगे, फिर हो जाएगा हमारा 2 फिर 5 फिर 7, फिर कौमा लगाओगे, फिर हो जाएगा 8, ये हो गया 3, ये हो गया 4, सही है। तो आप पढ़ोगे कैसे, इसको आपको लिखना कैसे है? देखो, मिलियन के नीचे कितना हमारा 438, तो इसको पूरा लिखोगे आप, लिखोगे 438 438, कितना है मिलियन के नीचे है, तो आप लिख दोगे 438 मिलियन। फिर हजार के नीचे देखोगे 752, तो ये हो जाएगा हमारा 752 हजार 752 हजार,
और उसके बाद आखिरी में हमारा आता है 801, तो आप इसको ऐसे ही लिख दोगे 801। बताओ समझ में आए? बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं क्योंकि चार ऑप्शन होता है और वो जल्दी जल्दी में उल्टा सीधा लिख देते हैं। अब देखो अगली संख्या, जैसे मान लो अगर हमें ये लिखना हो, कितना लिखा हमारा 5 7 3 2 8 9 3, मैंने क्या कहा 3 3 पर कॉमा लगाओ ऐसे, ठीक है। देखो 1 2 3 यहाँ कॉमा लग गया, फिर 1 2 3 यहाँ कॉमा लग गया। ये तो क्या है भैया, सैकड़े का नंबर है, ये वाला हजार का नंबर है और ये वाला मिलियन का नंबर है कि नहीं, यही तो लिखा हमने। देखो यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा, फिर ये हो गया 3000 का, फिर 3 हो गया मिलियन का। इसमें अगर एक भी संख्या आती ना तो वो मिलियन में जाएगी। तो यहाँ पर देख लो कितना हो गया हमारा, अगर हम इसको अंकों में लिखें शब्दों में, तो ये हो जाएगा 5 मिलियन, 5 मिलियन, फिर कितना हो गया हमारा 732,732,732,000, लास्ट में 893 तो लिख देंगे 893। बताइए भैया इतना समझ में आया सभी को? अब मुझे तो लगता है कि आप लिख ही लोगे। क्लियर है भाई सभी को? इतना सभी को समझ में आ गया ना? अरे बोलो बच्चा लोग, कमेंट में बताते रहना, समझ में आया तो भी, नहीं आया तो भी, तो आप लोगों के लिए कुछ नया निकलेगा, ठीक है। अब चलो यहाँ पर दो चीज़ें आप समझ लियो, अपनी बुक से क्वेश्चन कीजिएगा, भारतीय गणना प्रणाली के और अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली के। अब जो तीसरा आता है हमारा, वो है हमारा रोमन गणना प्रणाली। चलो भाई देखते हैं रोमन गणना प्रणाली में क्या आता है। अब तीसरा पॉइंट पे आते हैं हम, और तीसरा है हमारा रोमन गणना प्रणाली। चलो यहाँ लिख देते हैं तीसरा, रोमन प्रणाली। अब देखो रोमन में क्या होता है, रोमन में कुछ चीज़ें आप समझ लो, है ना, ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। रोमन आपको स्कूल में भी पढ़ाया गया होगा, आपने वहाँ पर भी कुछ सीखा होगा। अगर नहीं सीखे हो तो भैया समझ लेना कि कैसे आपको रोमन नंबर लिखना है। सबसे पहले तो आपको 1 से लेके 10 तक के नंबर तो आपको याद ही होने चाहिए। आप कैसे याद रखोगे? देखो हमें जैसे मान लो कि हम लिख देते हैं आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो ये हमारा हो जाएगा आई। सेकंड में आप दो बार आई लिख दोगे तो 2 हो जाएगा, 3 में आप 3 बार आई लिख दोगे तो 3 हो जाएगा, 5 को आप ऐसे लिखते हो, ठीक है वी। अब 5 अगर हमें घटानी होती कोई संख्या ना, तो हमेशा हम इससे छोटी संख्या ही घटाएंगे। तो जब कोई चीज़ घटानी होती है तो हम आगे लिखते हैं, जैसे 5 में से 1 घटाओगे तो आपका 4 हो जाएगा, तो यहाँ लिखोगे 5 और घटाने के लिए इधर आई लगाओगे, समझ में आ गया। और अगर आपको 6 लिखना है तो आप आगे लिखोगे, जिसको जोड़ना है आप आगे लिखोगे, जैसे ये वी हो गया, उसके आगे 1 लिख दिया तो 5 और 1 हो गया 6। ऐसे ही 5 में 2 जोड़ोगे तो हो जाएगा 7, 5 में 3 जोड़ोगे तो हो जाएगा 8, हो गया। 10 को हम लिखते हैं एक्स से, 10 को लिखते हैं एक्स से। अब मान लो आपको 9 लिखना है तो 10 में से 1 घटा दो, यानी घटाने के लिए हमेशा हम पहले लिखते हैं, ये समझ लो। ये लिखा हमारा 9 माइनस 1, ठीक है ना, यहाँ से सॉरी 10 माइनस 1, तब तो ये हो जाएगा 9, और ये हमारा 10 सही है। यहाँ पर देखो ये जोड़ा गया है, तो यानी ये जोड़ा गया कितना 5 प्लस 3, तो ये हो गया 8, ये जोड़ा गया 5 प्लस 2, तो ये हो गया हमारा 7, ये जोड़ा गया 5 प्लस कितना 1, तो ये हो गया हमारा 6। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं, ये हमारा 5 है ही है। यहाँ पर क्या किया गया, 5 में से 1 घटाया गया तो हो गया 4, यानी जब भी कोई संख्या को घटाना होगा तो पहले लिखोगे और जोड़ना होगा तो आगे लिखोगे। इसके अलावा एक चीज़ याद रखिएगा, LCDM, ये याद रखिएगा। LCD तो आप लोगों घर में होगी, अरे मोबाइल में देख रहे हो, जो स्क्रीन देख रहे हो वो LCD ही है, तो LCDM याद रखिएगा, ठीक है। L का मतलब होता है 50, C का मतलब होता है 100, D का मतलब होता है 500 और M का मतलब होता है 1000। इतनी बात याद रखिएगा, LCDM, ठीक है। तो ये हो गया आपका 50, 100, 500 और 1000। अब जैसे हम मान लेते हैं हमको कोई संख्या लिखनी है, जैसे मान लो कि हमको लिखना है 90। अगर आपको 90 रोमन में लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? नज़दीक देखना कौन सी संख्या आती है, 90 के नज़दीक 100 आती है, तो 100 को हम लिखते हैं सी।
अब इसमें से हम क्या घटा सकते हैं भैया, 100 में से 10 घटाओ तो इसका मतलब इसमें से अगर घटाना तो हम आगे लिखेंगे, यानी 100 माइनस 10 करोगे तो कितना हो जाएगा हमारा 90, तो ये हो गया हमारा 90। बताओ समझ में आया। ऐसे ही अगर आपको 110 लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे, 110 भी 100 के नज़दीक है तो आप लिखोगे कितना सी, और उसमें आपको 10 बढ़ाना यानी जोड़ना है, यानी आप यहाँ लिख दोगे तो हो जाएगा 100 प्लस 10 यानी कि 110। बताओ समझ में आया, सभी लोग बताएंगे ये समझ में आ गया, क्लियर है ना। ऐसे ही अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई 200 कैसे लिखा जाएगा, 200, तो सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और बताइए 200 जो है वो रोमन में कैसे लिखा जाता है। सभी लोग जिसका भी आंसर सही होगा उनको मिलेगा हार्ट, तो इसलिए लिखना ज़रूर सभी लोग, ठीक है। तो ये हो गया, बाकी आगे हम लोग धीरे धीरे करके चीज़ों को पढ़ते रहेंगे कि किस तरह से हम रोमन को और सही लिख सकते हैं। चलो तो ये हो गए हमारे तीनों प्रणालियाँ कि किस तरह से आप संख्याओं को लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अब हमारे पास एक और आता है जिसको हम बोलते हैं स्थानीय मान। देखो दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होता है स्थानीय मान और एक होता है जातीय मान। तो पहले तो हम स्थानीय मान के बारे में समझते हैं। जैसे अगर हमको एक संख्या दी गई 9847, इसमें सबका स्थानीय मान पूछे कि भाई 7 का स्थानीय मान कितना है, है ना। अब यहाँ देखो 7 का स्थानीय मान, तो स्थानीय मान जिस स्थान पे होता है वही मान लिखना है। जैसे स्थानीय मान तो 7 किस स्थान पे है भाई, इकाई पे है, तो इकाई का मतलब 1 से गुणा तो हो गया 7। बताओ समझ में आया, नहीं समझ में आया तो और समझो। जैसे अगर हमसे पूछा जाए 4 का स्थानीय मान, देखो 4 का स्थानीय मान, तो 4 का स्थानीय मान क्या होगा बाबू, ये हो जाएगा हमारा 4 और किस स्थान पे, दहाई स्थान पे, तो यानी 10 से गुणा तो हो जाएगा 4 का स्थानीय मान 40। समझ में आ रहा है ना। अब अगर मैं पूछूंगा आपसे 8 का स्थानीय मान कितना होगा, अब तो आप तुरंत बता दोगे कि बाबू 8 का स्थानीय मान ये होगा। क्या होगा 8 का स्थानीय मान भैया, 8 किस जगह पर है, सैकड़े की जगह पर, यानी 100 से गुणा, तो 8 का 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 800। अगर मैं यही पूछूं 9 का स्थानीय मान, 9 का स्थानीय मान, तो 9 का स्थानीय मान कितना है 1000 का, देख लो 9 का इकाई दाई सैकड़ा 1000, तो 9 का गुणा 1000 से कर दोगे तो 9 का स्थानीय मान आ जाएगा, यानी 9 का 1000 से गुणा कितना हो जाएगा हमारा 9000। बस काम खत्म, क्लियर है। फिर आता है हमारा अगला जातीय मान। देखो जातीय मान हमारा, अब जातीय मान क्या होता है, जातीय मान जो नंबर जिसके बारे में पूछेगा वही उसका जातीय मान होगा। जैसे हम फिर से यही संख्या लिखते हैं 9847, फिर से यही संख्या लिखते हैं, और इस संख्या में किसी का भी जातीय मान पूछा जाए, जैसे पूछा जाए 7 का जातीय मान कितना होगा, तो जो संख्या है वही उसका जातीय मान होगा। जैसे 7 का जातीय मान 7 होगा, 4 का जातीय मान कितना होगा भाई, 4 का जातीय मान 4 ही होगा, 4 का जातीय मान 4 ही होगा, ये समझ में आए। ऐसे ही पूछा जाए कि भाई 8 का जातीय मान, 8 का जातीय मान कितना होगा, 8 होगा, 8 का जातीय मान 8 होगा, और 9 का जातीय मान, 9 का जातीय मान कितना होगा, 9 का जातीय मान 9 होगा। बताओ समझ में, यानी स्थानीय मान का मतलब होगा जिस स्थान पे है उससे गुणा, और जातीय मान का मतलब होगा जो जो अंक है वही अंक उसका जातीय मान होगा। समझ में आ गया। इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो एक तो ऐसा क्वेश्चन आ ही जाता है कि भैया जातीय मान और स्थानीय मान बताओ, एक इस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा कि प्रश्न इस तरह का पूछते हैं कि 9847 में 8 का स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर, तथा जातीय मान का अंतर क्या होगा, ठीक का अंतर क्या होगा। अब देखो, अब आप आसानी से इस क्वेश्चन को समझ सकते हो कैसे होगा। अगर हम इसका हल देखें तो इसका हल जो होगा वो हो जाएगा, सबसे पहले हम 8 का स्थानीय मान निकालते हैं, ठीक है। 8 का स्थानीय मान कितना होगा, 8 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा भैया, स्थानीय मान का मतलब जिस स्थान पे है उसी से गुणा,
या फिर आप समझ लो जितने अंक बचे हैं उतना जीरो लगा दो। देखो आठ का स्थानीयमान, ठीक है ना, तो ये कितना हो गया हमारा, बताओ समझ में आया, सभी लोग बताओ स्थानीयमान क्या, सभी को समझ में आ गया, सभी लोग बताएंगे भाई कि इतना इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर कितना हो गया हमारा, ये हो गया 40, यानी यहाँ हो गया दो इकाई दाई सैकड़ा, तो सैकड़े का था तो 100 से गुणा कर दिया तो हो गया 800। फिर 8 का जातीय मान, तो भैया 8 का जातीय मान जो अंक है वही उसका जातीय मान होगा, तो 8 का जातीय मान कितना हो जाएगा 8। अब कह रहा है इसका अंतर बताओ, तो हमको क्या निकालना है भाई, इसका अंतर निकालना है यानी घटा लो, अंतर का मतलब माइनस करना, घटाना है। अब यहाँ जीरो में से 8 तो होगा नहीं, तो भैया माइनस करना आपको पता ही होगा, 10 में से 8 जाएगा हो जाएगा 2। यहाँ देखो इसने इसको एक उधार दिया, इसने इसको उधार दिया, तो ये इसने उसको उधार दिया तो हो गया, ये हो गया 10, इसने इसको दिया तो ये हो गया 10, 10 में से 8 गया 2, ये 10 था इसने इसको एक दिया था तो इसके पास बचा 9, 8 था इसने इसको एक दिया था तो बचा 7, यानी 792 जो होगा इसका सही उत्तर होगा। बताओ भाई समझ में आ गई बात, स्थानीय मान और जातीय मान से संबंधित। आगे हम लोगों को प्रश्नावली है, अगर आप आपके पास बुक कौन सी है ये बताइएगा, हम लोग अरिहंत पब्लिकेशन के बुक सॉल्व करने वाले हैं, तो बेसिक पढ़ने के बाद हम लोग सारी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना कि हम लोगों को क्वेश्चन कैसे समझ में आएगा, ठीक है। एक आता है हमारा पूर्ववर्ती संख्या, देखो फिर आती है हमारी पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती, तो पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है, देखो पूर्ववर्ती जो भी पूछे, जैसे अगर मान लो कि पूछा जाए एक्स का पूर्ववर्ती, अगर एक संख्या हो जाए एक्स का पूर्ववर्ती, अब दो बार मैंने लिख दिया था पूर्ववर्ती, तो हमेशा इसमें से एक माइनस कर देना, ये इसका पूर्ववर्ती आ जाएगा, ठीक है। अगर ये पूछा जाए अगला, जैसे मान लो पूछा जाए 100 का पूर्ववर्ती, 100 का पूर्ववर्ती, तो क्या करोगे आप भैया, 100 में से एक घटा दो, 100 में से एक घटाओगे कितना होगा, आपको पता ही है कि भाई 99 होगा, ठीक है। फिर अगली चीज़ आती है हमारी उत्तरवर्ती, देखो उत्तरवर्ती, उत्तरवर्ती का मतलब क्या होता है, यानी आगे वाली संख्या, उत्तरवर्ती का मतलब आगे वाली संख्या, जैसे अगर हमसे पूछा जाए कि x का उत्तरवर्ती, तो आपके x का उत्तरवर्ती कितना हो जाएगा बाबू, जितना भी संख्या x है उसमें एक जोड़ दो, क्लियर है ना। जैसे अगर मैं ये आपसे पूछूं कि 100 का उत्तरवर्ती बताओ, 100 का उत्तरवर्ती, तो 100 का उत्तरवर्ती हो जाएगा 100+1, तो कितना हो जाएगा हमारा 101, बताओ समझ में आया। तो पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती, ये समझ में आ गया सभी को। अब यहाँ पर हम लोग, ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ हम लोगों ने पढ़ ली, आपको जो होमवर्क दिया था ना इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, और इसकी अगर PDF आपको चाहिए जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। अब इसके आगे हम लोग संख्या और संख्याओं के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, अरे टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो धीरे धीरे चीज़ें पढ़ो, जनवरी में आपका एग्ज़ाम है, आराम से चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। तो चलो फिर इसके आगे हम लोग संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलो फिर बच्चे लोग पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।